यूएटी टॉप स्टोरीज के साथ मैं हूँ आतिका अर्शद। सबसे पहले नजर डालते हैं यूएटी टॉप स्टोरीज पर। यूएटी में एग्जाम्स के बाद ईद की छुट्टियों का जो ऐलान हो गया है, हुकूमत की जानिब से ईद की छुट्टियों का ऐलान 4 जून से 7 जून तक हुआ है, जबकि यूएटी बकायदा तौर पर 10 जून को खोल दी जाएगी। यूएटी में दाखिला लेना हर किसी की ख्वाहिश होती है, इसीलिए ईकेट टेस्ट का ऐलान भी कर दिया गया है। यूएटी में अंडर ग्रेजुएट्स दाखिलों की जो दरख्वास्तें हैं वो सितंबर में मौसूल की जाएंगी और दरख्वास्तों से पहले ईकेट टेस्ट क्लियर करना जरूरी है। यूएटी में रूट्स पर आने वाले तलबा तलबात के लिए मेरे पास जो खबर है वो ये है कि यूएटी ट्रांसपोर्ट सेक्शन की जानिब से ऑनलाइन फीस जमा करवाने के लिए अकाउंट मुतारिफ करवा दिया गया, अब ऑनलाइन फीस जमा करवाई जा सकती है। एग्जाम से फारिग तलबा और तालिबात आजकल इंटर्नशिप की तलाश में हैं, तो उनके लिए मेरे पास खबर है कि IBM की जानिब से समर इंटर्नशिप का ऐलान कर दिया गया है। इंटर्नशिप के लिए 10 जून से पहले पहले दरख्वास्त जमा करवाई जा सकती है। यूएटी के तलबा तालिबात समेत उसाजा जो है बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हैं। IBM के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रब नवाज लोधी ने बैन अल-अक़वामी रिसर्च कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। उन्होंने क्वालिटेटिव रिसर्च के मौजू पर खिताब किया। यूएटी में अल-ख़वारिज़्मी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस की लैब BRL में रिसर्च ऑफिसर की असामी खाली, ख्वाहिशमंद हजरात ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यूएटी गेम स्टूडियो में गेम डेवलपमेंट कोर्स का ऐलान कर दिया गया। कोर्स के बाद इंटर्नशिप के मौके भी फराहम किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई मुख्तस। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड वाटर रिसोर्सेज की जानिब से इंटर्नशिप के मौके फराहम किए जा रहे हैं। इंटर्नशिप के दौरान 35,000 स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। अब हम कुछ बात करते हैं इंटरनेशनल स्कॉलरशिप की। ऑस्ट्रेलिया में फुली फंडेड स्कॉलरशिप 2019 का ऐलान कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जारी हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर मुख्तस। यूईटी के तलबा और तालिबात इस साल रमजान ट्रांसमिशन का भी हिस्सा बन रहे हैं। इस हवाले से जो खबर मेरे पास है वो ये है कि यूईटी लिटरेरी सोसाइटी नारोवाल कैंपस के तलबा और तालिबात भी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें मोहम्मद अली रजा और वकास यूसुफ बने शान रमजान का हिस्सा। सवालिया सेशन जो है वो जीत कर सेमीफाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। यूईटी टॉप स्टोरीज आपने जानी। फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए यूईटी न्यूज़।